वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह करे सबको सेहतों से नवाजे। जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमाए। हर नमाज़ा रोज़े हर चीज़ इबादत पूरे कबूल करे। आमीन सुमा आमीन। आज हम रेमंड्स कुकिंग में ज़बरदस्त लुखैमत डबलिंग्स की रेसिपी लेके आए हैं। चलिए अब बनाना स्टार्ट करेंगे अपन रेसिपी। डम्पलिंग्स बनाना स्टार्ट करेंगे। इसको डम्पलिंग्स भी बोलते हैं अरबिक में। लुखैमा बोलते हैं इसको। अरबिक डिश है ये, बहुत फेमस डिश है। चलिए वन बाय वन इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रही हूँ मैं। इसमें 2 कप मैदा ले लिया, आप अपने हिसाब से डालिए। मैं 2 कप मैदा ली। 1 पिंच ऑफ सॉल्ट यानी कि नमक, 1 पिंच, 1 चमचा शुगर यानी कि शक्कर। चलिए आधा कप अपन मिल्क पाउडर ऐड करेंगे इसमें। आधा कप है पूरा, ये दूध का पाउडर है। चलिए 1 चम्मच अपन ईस्ट डालेंगे पूरा भर के। चलिए सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत इजी है और बहुत मज़ेदार लजीज बन के रेडी होता इफ्तार में। बहुत बच्चों को, बड़ों को, सबको पसंद आएंगी ये डिश। थोड़ा थोड़ा पानी है, नीम मीडियम पानी है ये, नीम गर्म पानी में नहीं है कुछ भी। मीडियम जो नॉर्मल पानी है उससे अपन अच्छा सॉफ्ट अपना मैदा आटा जो भी है तो भिगा लेंगे इसको। एकदम सॉफ्ट रहना इन्हें। चलिए आधा कप कॉर्नफ्लोर भी थोड़ा सा का मिला लेंगे। तकरीबन 2 से 3 चम्मच है ये कॉर्नफ्लोर, ज़्यादा नहीं है। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर और मैदा, मिल्क पाउडर, सभी सारे इंग्रेडिएंट्स है ये। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा लिक्विड पेस्ट बना लेंगे इसका। अपन बेसन जैसा भिगाते वैसा ही भिगाना है इसको। अच्छा वो होना है ये, ज़रे भी लम्स नहीं रहना है। चलिए देख सकते हैं अच्छी तरह से मिक्स कर दी। देखिए ऐसे ही होना है, देख सकते हैं ऐसे ही होना है अपने को। देखिए ज़रे भी लम्स नहीं है, अच्छी तरह से मिक्स कर ली मैं। चलिए इसको अपन इसको पैक कर देंगे। पैक करके तकरीबन ये 15 से 20 मिनट तक इसको रेस्ट के लिए रखेंगे ताकि अच्छी तरह से फॉर्म होना ये। जब तक अपन शीरा बना लेंगे इसका। चलिए सबसे पहले अपन शीरा बना लेंगे। उसके लिए मैं एक पैन रख ली। 1 कप शक्कर डाल दे रही मैं इसमें। 1 कप पानी डाल दे रही हूँ। अब इसको अच्छा पका लेंगे अपन शीरे को, जब तक ये शक्कर पूरी मेल्ट ना हो जाए जब तक पका लेंगे। चलिए देख सकते हैं शक्कर भी अच्छी तरह से मेल्ट हो गई, शीरा अपना अच्छी तरह से पक रहा। 2 से 3 ड्रॉप्स मैं ये इसमें वनीला एसेंस डाल रही हूँ। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है वनीला एसेंस से। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा गाढ़ा शीरा बना लेंगे इससे। अच्छा गाढ़ा रहना ये, उसके बाद नेक्स्ट बताऊँगी। चलिए शीरा रेडी हो गया, इसको निकाल लेंगे एक बॉल में, उसके नेक्स्ट बताऊंगी। चलिए कढ़ाई रख ली, इसमें तेल डाल ली मैं। तेल अच्छा डालना, अच्छा डीप फ्राई करना है अपने इसको। चलिए ये भी अच्छी तरह से फॉर्म हो गया। चलिए अब थोड़ा थोड़ा तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया, बस थोड़ा थोड़ा अपन बॉल्स बना के डालेंगे इसको। चलिए तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया, थोड़ा थोड़ा करके ऐसे बॉल्स के जैसे डालेंगे अपन। आप एक बॉटल में भी डाल के डाल सकते हैं, एक ही साइज के आते हैं। मैं हाथ से डाल रही हूँ। चलिए ऐसे ही डालते रहेंगे अपन। देखिए कितने अच्छे फूल रहे, अच्छे बॉल्स के जैसे हो रही है। तेल अच्छा गर्म होने पर डालना। जरी देर में फूल जा रहे, देखिए। चलिए देख सकते हो, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए कितना अच्छा कलर आया, अच्छे गोल गोल राउंड राउंड अच्छा फूल है। देखिए कितना अच्छा फूल है, ऐसे ही चाहिए था अपने को। अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर करेंगे इसका और बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। देखिए ज़रूर ट्राई करना ये रेसिपी को आप। चलिए इसको निकाल लेंगे अपन। अच्छा तेल निकाल लेना। चलिए निकाल के सर्व करके बताऊँगी। चलिए शीरा है, शीरा एक बॉल में निकाल ली मैं। अब एक एक करके ऐसे डालेंगे ये लुखैमा, अपने डम्पलिंग्स भी बोल सकते हैं आप, लुखैमा भी बोल सकते हैं। चलिए अच्छी तरह से इसको अच्छा ऐसा निकाल लीजिए। चलिए एक प्लेट में निकाल लेंगे।
पेड़ा अच्छा निकाल लेंगे, निकल के ऐसा ऐसा प्लेट में निकाल के रखेंगे। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त दिख रहे हैं, अपने देख सकते हैं कितने अच्छे बन के रेडी हुए। चलिए माशाल्लाह से सभी रेडी है। इसके ऊपर अपन चॉकलेट सिरप डालेंगे, बहुत टेस्टी दिखता है। चॉकलेट सिरप डालने से बच्चों को बहुत पसंद आएगा। चलिए मेरे लुखैमत रेडी है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को। जब तक कि अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी लेके आऊँगी तो हमें याद रखिए। शब खैर।